एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का, जन व्यापी हो जग व्यापी हो आह्वान अहिंसा का, यही मुनिवर की कामना यही गुरुवर की भावना, अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना, यही मुनिवर की कामना यही गुरुवर की भावना, अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। मेरी कोशिश होती है कि मेरी बात आपके दिल को लगना चाहिए, परिवर्तन तभी संभव है। जब कोई बात तीर की तरह दिल को चुभेगी तो परिवर्तन होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में मुझे बुलाया गया, शिवराज जी चौहान मुख्यमंत्री, उमा शंकर जी गुप्ता गृह मंत्री, ईश्वरदास दुरहान जी विधानसभा अध्यक्ष, हरिवंश सिंह जी उपाध्यक्ष, सब लोग हमारे प्रति भक्ति भी रखते थे, भावना भी रखते थे। और मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं एक बार विधानसभा लोकसभा को जाके संबोधित करूं। चार सपने देखे मैंने जिंदगी में, चार सपनों को पूरा करने में मुझे 20 साल लग गए। सपने भी ऐसे नामुमकिन, क्योंकि मैं दिगंबर मुनि हूं, हर जगह मेरी मुद्रा स्वीकार नहीं होती है, लेकिन मैंने सपने देखे थे। पहला मेरा सपना था मैं लाल किले से राष्ट्र को एक बार संबोधित करूं, वो मेरा सपना पूरा हुआ। दूसरा मेरा सपना था एक बार भारतीय सेना के जाकर बीच में जाकर अपनी बात कहूं, कर्नाटक में था, मेरा वो दूसरा सपना भी पूरा हुआ। तीसरा मेरा सपना था कि भगवान महावीर चौराहे पर आए ताकि उनका संदेश दुनिया तक पहुंचे, वो सपना भी मेरा पूरा हुआ। और चौथा मेरा सपना था एक बार लोकसभा विधानसभा में बैठे हुए लोगों को संबोधित करूं, क्योंकि मेरा अपना मानना है अब संत मुनियों को अपने प्रवचन आम जनता के बीच करने की अपेक्षा विधानसभा लोकसभा में करना चाहिए, क्योंकि खतरनाक लोग वहीं बैठे हैं। मेरी दिली तमन्ना थी एक बार मुझे बुलाया, उनको मालूम था तरुण सागर को बुलाएंगे कड़बा कड़बा बोलेंगे, लेकिन फिर भी उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने अपनी बात कही और सब लोगों ने मेरी बातों को बड़े प्यार से सुना। मीडिया मुझसे पूछता है मुनि जी आपकी खुशनसीबी क्या है, तब मैं जवाब देता हूँ मैं इतना कड़वा बोलता हूँ फिर भी लोग मुझे बहुत प्रेम से सुनते हैं, ये मेरी खुशनसीबी है। वरना जमाना यह है बाप की कड़वी बात बेटा भी नहीं सुनता है, फिर भी मेरी बातों को सुनते हैं, प्यार से सुनते हैं, और ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि चुनते भी हैं, ये मेरी खुशनसीबी है। और ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, प्रदीप जी पुराण प्रकाश जी, ये लाए गए लोग नहीं हैं, ये लाए गए लोग नहीं। नेताओं की सभा में आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, साथ में मिलेंगे ₹93। तो मीडिया से मैं कहता हूं मेरी खुशनसीबी है लोग मुझे बहुत ही प्यार से सुनते हैं, पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप मीठा बोलिए, कड़वा मत बोलिए, कड़वा बोलने के लिए तरुण सागर को छोड़ दीजिए, आप मीठा बोलिए, आप मीठा बोलिए। परिवार में सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, खुशियां चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, मीठा बोलिए। खास करके हमारी माताओं बहनों से कहूंगा चाय में चीनी डालना भूल जाओ तो कोई बात नहीं, पर वाणी में मिठास डालना मत भूलिए। चाय में चीनी डालना भूल जाओ तो डोंट वरी कोई बात नहीं, वाणी में मिठास डालना मत भूलिए।
परिवार में अधिकतर झगड़े लीला भाई इसकी वजह से होते हैं। परिवार में अधिकतर झगड़े विवाद लीला भाई की वजह से होते हैं। मीठा बोलिए, एक दिन मैंने कहा था कम बोलिए, काम का बोलिए, कम बोलिए, ज्यादा मत बोलिए, अनावश्यक मत बोलिए, बेवजह मत बोलिए, कम बोलिए, कम बोलिए, कम बोलिए, कम बोलिए, काम का बोलिए। बच्चों के पैर चंचल होते, छोटे बच्चे उछलना कूदना गिरना पढ़ना दौड़ना, उनके पैर चंचल होते ना। छोटे बच्चे से कहो ये 500 का नोट दे लो, आलती बालती मार के बैठ जाओ, एक घंटा बैठेगा क्या? नहीं, बच्चों के पैर चंचल होते हैं। जवान आदमी का रोम रोम चंचल होता है, जवान आदमी का रोम रोम चंचल, उसकी दो ही डिमांड है, कलर टीवी कलर बीबी। बच्चे के पैर चंचल होते हैं, जवान आदमी का रोम रोम चंचल होता है, और बूढ़े आदमी की जुबान ज्यादा बोलता है। एक दिन मैंने कहा था ना, बुढ़ापे से दुखी नहीं है, ज्यादा बोलता है इसलिए दुखी है। इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा, कम बोलिए, कम बोलिए, आधा घंटे का मौन रखिए, सुबह का भोजन मौन से करिए, एक बार का भोजन नियम कर लीजिए, सुबह का भोजन मौन से करेंगे, मौन से करेंगे। माँ बहन पत्नी जो परोस दे चुपचाप खा लेना, अगर कभी भोजन में नमक ना हो तो एकादशी का चतुर्दशी का व्रत समझ करके उसको चुपचाप खा लेना, इशारा मत करना। मौन का आपने नियम लिया ना, एक बार का भोजन मौन से करेंगे आप मत। लेकिन आदमी इतना बेईमान है, इतना अगर कभी पत्नी भोजन में नमक हो जाता, ऊंचे नीचे हो जाता है, भूल चूक हो जाती है, नमक नहीं, नमक नहीं, नमक नहीं, नमक नहीं, आदमी का क्रोध साथ में आसमान पर चढ़ जाता है, और क्रोध में बड़बड़ाता हुआ थाली को फेंक देता है, और बड़बड़ाता हुआ घर से निकल जाता है। अब वो तो निकल गया, पत्नी के दिमाग में नमक नहीं था, 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 सारे दिन नमक 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 उसके दिमाग में चलता है। शाम को भोजन बनाने बैठती है तो सोचती है अब सुबह वाली गलती नहीं होना चाहिए, नमक नहीं था ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए, भोजन बनाया भोजन में नमक डाल दिया, लेकिन ध्यान आया मैंने नमक डाला कि नहीं डाला, मैंने नमक डाला कि नहीं डाला, नमक नहीं था, नमक नहीं था, नमक नहीं था, डाला कि नहीं डाला, डाला कि नहीं डाला। सुबह का भोजन भी गया और शाम का भोजन भी गया। मैं आपसे निवेदन, अगर आप उस भोजन को बहुत ही चुपचाप शांति से खा लेते और मुस्कुराते हुए अपने काम पे चले जाते, तो पत्नी जब भोजन करने बैठती और पहला निवाला उसके मुख में जाता, हाय राम, पति मन ही बन धन्यवाद, पत्नी मन ही बन धन्यवाद देती, हे भगवान तूने मुझे कैसा देवता जैसा पति दिया, बिना नमक का भोजन भी चुपचाप खा लिया, एक शब्द नहीं बोला, तुम्हारे प्रति अहोभाव से भर जाती। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए एक घंटे का मौन रखिए, आधे घंटे का मौन रखिए, कम से कम सुबह का भोजन मौन से करिए, जो मिल जाए चुपचाप शांति से खा लीजिए। मांगिए मत, 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 मांग मांग के कौन खाता है, मांग मांग के कौन खाता है, भिखारी, आप भिखारी है क्या? मांगिए मत, अजी नमक लाना, अजी सब्जी लाना, अजी रोटी लाना, मांगिए मत, जो मिल जाए। ये साधना है ना, थोड़ा मुनि लोग तो बहुत करते हैं, हम भी तो उनके शिष्य है, हम भी तो उनके अनुयायी है, हम भी तो उनकी जय जयकार करते हैं, हम भी तो उनको नमस्कार करते हैं, हम थोड़ा तो त्याग के संस्कार अणुव्रत के रूप में वो साधना कर सकते हैं।
एक चुप रहे, मैंने कहा था ना चुप रहिए, पति पत्नी दोनों में से एक तय कर ले, एक चुप हो जाए तो कोई विवाद नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैंने वो क्या बोलते हैं, शादी होती है ना, सात वचन भरे जाते हैं, मैंने वो सात वचनों को देखा, मुझे लगा ये आउट ऑफ डेट हो गए। वो सात वचन जो शादी के समय वरवधु को भरे जा, मैंने उनको पढ़ा, गौर से पढ़ा, तो मैंने लगा ये 21वीं सदी के हिसाब से सही नहीं है, ये आउट ऑफ डेट हो गए। फिर मैंने 21वीं सदी के वरवधु के लिए सात नए वचन बनाए, 21वीं सदी के वरवधु के लिए सात नए वचन बनाए। कहो तो कहूं, दादाजी कह रहे कहो। क्या काम किया, 21वीं सदी के वरवधु के लिए मैंने सात वचन बनाए, और सात वचन में पहला वचन यह है, फिर के वक्त दूल्हा दुल्हन आपस में एक दूसरे को वचन ले और दे और कहे, बर कहे अपनी वधु से, अगर कभी तू आग बनेगी तो मैं पानी बन जाऊंगा, और कभी मैं अंगार बनूं तो तू जलतार बन जाना। पहला वचन, कभी तू आग बनेगी तो मैं पानी बन जाऊंगा, और कभी मैं अंगार बनूं तो तू जलतार बन जाना। अगर इतना दोनों आपस में तय कर लें तो दुनिया की कोई ताकत आपकी खुशियों को खत्म नहीं कर सकती है। एक नरम हो दूसरा गरम हो काम चल जाएगा, दोनों ही गरम हो तो गरम मसाला काम नहीं चलेगा, फिर काम नहीं चलेगा। अभी तो हालात ये है कि शादी के 6 माह तक पति बोलता है पत्नी सुनती है, 6 माह बाद पत्नी बोलती है पति सुनता है, साल भर बाद दोनों बोलते हैं पड़ोसी रामलाल सुनता है। दोनों मत बोलिए, एक बोलिए, एक नरम बने दूसरा गरम बने, एक नरम बन जाए काम चल जाएगा। दोनों ही गरम हो गए काम नहीं चलेगा। भाइयों से बहुत ही विनम्रता से कहूंगा, आप थोड़ा गुस्सा करना कम कर दीजिए। बहनों से थोड़ी विनम्रता से कहूंगा, आप थोड़ी जिद करना कम कर दीजिए, आपका परिवार स्वर्ग में तब्दील हो जाएगा। भाई लोग गुस्सा करना कम कर दे, भाई लोग गुस्सा करना कम कर दे, और बहने जिद करना कम कर दे, बस खुशियां बढ़ती ही जाए। भाई लोग गुस्सा करते हैं, बहने जिद करती है, जिद करती है, जिद करती है, चीन की दीवार बनने में तो वर्षों लग गए, पर जो हमारी बहने जिद करती है ना, चंद सेकंड में वो जिद की दीवार बन जाती है। गुस्सा कम करना कीजिए, जिद करना कम करना कीजिए, ये बहुत जरूरी है जीवन के लिए। जीवन के परिवेश एक चुप रहे काम चल जाएगा। सीजन का समय था, पति को दुकान से आते आते 10 बज गया, रोज तो 9 बजे आ जाते थे, पत्नी बार बार घड़ी देख रही है, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, 10:30 बज गए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं, 11 बज गए रात के, बार बार घड़ी देखती है, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। शांत स्वभाव पति की पत्नी बार बार घड़ी देखती है, शांत स्वभाव की, शांत स्वभाव वाले पति की पत्नी बार बार घड़ी देखती है, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। कुशल पति की पत्नी भी बार बार घड़ी देखती है, पर एक फर्क है, दोनों में एक फर्क है। शांत स्वभाव वाले पति की पत्नी रात की घड़ी देखती है, और गुस्सेल स्वभाव वाले पति की पत्नी सुबह की घड़ी देखती है, अभी तक नहीं गए।
नौ बज गए अभी तक नहीं गए, दस बज गए अभी तक नहीं गए। घड़ी तो घड़ी दोनों देखती है, शांत स्वभाव वाले पति की पत्नी रात के वक्त की घड़ी देखती है और गुस्सेल स्वभाव वाले पति की पत्नी सुबह। आप क्या चाहते बोलो। नहीं नहीं नहीं, ये तय करना पड़ेगा, आपकी पत्नी घड़ी देखे कब की घड़ी देखे बोलो। है एक भाई बोले एक भाई बोले कभी देखे। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में जिसकी अब तक 7,00,000 प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध। कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1,000 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 125 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा, संपर्क सूत्र 01292262549 और 09810724900, ईमेल ahinsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनि श्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा, संपर्क सूत्र 01292262549 09810724900।